बुलंदशहर में असम राइफल का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। बेरोजगार युवाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था आरोपी अमित। खुद को असम राइफल का अधिकारी बताकर युवाओं को देता था नौकरी दिलाने का झांसा। आरोपी से असम राइफल की वर्दी, फर्जी आधार कार्ड, आईडी व फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। बुलंदशहर की सलेमपुर पुलिस ने नटवर लाल को किया है गिरफ्तार। ये सलेमपुर पुलिस के द्वारा एक सूचना आई थी। इस सूचना के आधार पर इनके टीम द्वारा काम किया गया। उसमें एक अमित नामक व्यक्ति पकड़ा गया, जो 2021 में बता रहा है कि मैं असम राइफल में भर्ती होने के लिए गया था। उस भर्ती के दौरान जो मिसाइल का उसका कागज़ गलत पाया गया था, जिसके आधार पर उसको भर्ती नहीं किया गया। वहीं पर रुक करके उसने अपने असम राइफल के से संबंधित वर्दी वगैरह सिलवाया और उससे संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स थे या जो वर्दी धारण करने वाले सामान थे सब वहाँ से लिया हो, और उसको अपने को असम राइफल में होकर लोगों को बता करके और लोगों के जो फार्म वगैरह भरते थे उसको डाउनलोड करके लोगों को झांसे में लेकर के उनसे पैसे लेकर के उनसे उनके फर्जी का लेटर बना करके उनको देता था और इस प्रकार से लोगों से ठगी करता था। तो इस शिकायत के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो संबंधित वर्दी या जो इसके द्वारा दुरुपयोग आधार कार्ड या अन्य कागजातों का किया जा रहा है उसकी बरामदगी हुई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य पूछताछ अभी जारी है और देखा जा रहा है कि इसमें कहां कहां कौन शामिल है। अभी तक जो पूछताछ ने बताया है, बुलंदशहर के लोगों को, एक नैनीताल के आदमी को और कुछ बिहार के लड़कों को से इसमें इसके द्वारा ठगी की गई है। विस्तृत पूछताछ के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस कस्टडी लेकर के इनसे और पूछताछ करने के बाद जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी करना है। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं अभी भी उसी ड्रेस में है, ट्रैक सूट असम राइफल का लोगो लगा हुआ पहना हुआ है। तो इस प्रकार से असम राइफल की वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है।